सो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ आरएस प्ले सुपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसॉ मैन के चैप्टर 7 एंड 8 के बारे में। सो टैप मैन भाई, रोल द इंट्रो। सो इस चैप्टर का टाइटल है मियावीज वेयर अबाउट, एंड इस चैप्टर की शुरुआत होती है बैट डेविल के डायलॉग से, जिसमें वो कहता है स्मेल ऑफ द सिगरेट्स मेक अ मेडिसिन, इन सबकी बदबू इतनी बुरी नहीं है पर मुझे बच्चे ज्यादा पसंद है। एंड देन उसे इंटरप्ट करती है पावर, जो की कहती है जैसा मैंने वादा किया था मैं तुम्हारे लिए एक इंसान लेकर आई हूँ, तो अब मुझे मेरी मियावी वापस दे दो। अब अगर आप सोच रहे मियावी कौन है, तो मियावी बेसिकली पावर की कैट है जिसके लिए ये सब कहानी चल रही है। लेकिन देन बैट डेविल उस मियावी को ही खा जाता है। यस, एंड देन वो कहता है मैंने अब तक तुम्हें सजा नहीं दी है ना, इतना गंदा खून, इतना डिस्गस्टिंग खून जो तुमने मुझे लाकर दिया, उसके लिए तुम सजा तो डिजर्व करती। एंड देन इसके बाद हमें पावर का फ्लैशबैक देखने मिलता है, जिसमें वो नेकेड होती है, एक जंगल में होती है, उसने एक बेर को मार चुका होता है एंड वो बस बैठी रही होती है, बट उतने में उसे कमजोर सी बिल्ली दिखती है। वो देखकर कहती है आज से तुम्हारा नाम मियावी रहेगा, तुम्हारी खुशबू काफी अच्छी है और काफी टेस्टी भी लग रही है, पर देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी हो, एक काम करते पहले तुम्हें रिफ्रेश करती हूँ उसके बाद मैं तुम्हें खाऊं, एंड उसे दूध पिलाती है और फिर दोनों तारे देखने लग जाते हैं। एंड देन पावर कहती है कि मैं जिसको भी देखी हूँ मैंने उसे सीधा मार दिया, लेकिन इस बार मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। देन उतने में बैट डेविल की आवाज आती है, जो कि ब्लड डेविल चिल्लाता है एंड वो मियावी को किडनैप कर लेता है। वो कहता है मुझे खून चाहिए, मुझे एक इंसान लाके दो ताकि तुम्हारी बिल्ली रह सके। सो इन प्रेजेंट ये होता है कि पावर अभी भी सदमे में है, उसे लिटरली एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता है कि उसकी बिल्ली को बैट डेविल ने खा लिया है। डेंजी अभी भी घायल होके जमीन पर लेटा हुआ है, एंड पावर फिर डेंजी की तरफ देखकर कहती है कि तुमने कहा था ना तुम्हारा पेट पूछी था अब इस दुनिया में नहीं रहा, हाँ मैं समझ तुम्हें कैसा लग रहा है, ये फीलिंग बहुत ऑफुल। बट उतने में बैट डेविल पावर को उठा के खा लेता है एंड वो कहता है डिस्गस्टिंग, नथिंग बट डिस्गस्टिंग ब्लड। एंड वो ये कहकर सीधा उड़ता है और वो कहता है सबसे पहले मैं बच्चों का खून पीऊंगा, उसके बाद मैं कुछ निकलूंगा, एंड देन उसके बाद मैं एक वर्जिन को खाऊंगा, उसके बाद एक जवान औरत को, उसके बाद मेन कोर्स में मैं एक अच्छा खासा आदमी खाऊंगा, एंड फॉर डेजर्ट मैं एक प्रेग्नेंट औरत खाऊंगा। पर अचानक से हमें ये देखने मिलता है कि बैट डेविल के पैर पर कोई आ चुका है और वो और कोई नहीं, वो डेंजी होता है। डेंजी बैट डेविल के पैर को काट लेता है एंड वो चिल्लाकर कहता है मुझे मेरे बूब्स वापस चाहिए। देन वो बैट डेविल के पैर को काट लेता है, लेकिन बैट डेविल उसे हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन उसी टाइम पर डेंजी अपना आपको चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म करने पर होता है, पर उतने में डेंजी को एक फ्लैशबैक आता है, जहां पर वो कहता है मुझे याद है पहली बार जब पोचीटा मिसिंग हो गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी और मुझे नींद तक नहीं आ रही थी, पर थैंक गॉड मुझे जब मैं घर पहुंचा मुझे पोचीटा मिल गया एंड उस रात में काफी सुकून से सोया। पर जो आज हुआ, डेविल ने मियावी को खाया, क्या पावर रात में सुकून से सो पाएगी? एंड ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं। एंड देन सबसे कूल मोमेंट आता है, जहां पर डेंजी के सर से चेनसॉ बाहर आ जाती है, एंड देन फाइनली डेंजी चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड यहां पर जाकर चैप्टर 7 खत्म होता है। सो कमिंग टू चैप्टर 8 का टाइटल है चेनसॉ वर्सेस बैट, एंड शुरुआत होती है डेंजी का चेनसॉ मैन ट्रांसफॉर्मेशन से, जहां पर उसने बैट डेविल के हाथ को काट लिया है एंड वो उस पर हमला कर चुका है, एंड देन वो उसका विंग को काट देता है एंड वो दोनों जाकर एक बिल्डिंग पर गिर जाते हैं एंड वो बहुत अंदर गिर जाते हैं। वहां पर एक बच्ची होती है जो कि उनको देख रही होती है एंड वो डर चुकी होती है, बट उतने में डेंजी चिल्लाकर कहता है तू चूतिया है क्या, तू खाई जाएंगी, भाग यहां से, बट वो लड़की थोड़ी देर बाद भाग जाती है। एंड देन बैट डेविल पूछता है तूने एक इंसान को कैसे जाने दिया, तू तो एक डेविल है ना, तू चाहता क्या है? बट देन उतने में डेंजी चिल्लाकर कहता है कि तू अपने पेट को खोल एंड मुझे उन बूब्स को टच करने दे, एंड वो बहुत जोर का मुक्का मारता है एंड बैट डेविल बाहर गिर जाता है। बैट डेविल अपने आप को संभाल रही होता है, तब उसके हाथ में कार लग जाती है जिसमें एक इंसान होता है। वो कहता है क्या ये चूतिया इंसान को बचा सकता है, एंड वो कार को डेंजी की तरफ फेंकता है और कहता है इसे काट कर दिखा, पर डेंजी उस कार को पकड़ लेता है। एंड ये काफी फनी बात है कि डेंजी को खुद को नहीं पता होता है, लेकिन उसके हाथ के जो चेनसॉ होते हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वो उस कार को पकड़ लेता है। वो कहता है मेरे चेनसॉ रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं, एंड उसकी ताकत देखकर बैट डेविल की फटी पड़ी रहती है। वो चिल्लाकर कहता है इतनी पावर ऐसे शरीर में कैसे हो सकती है, एंड देन डेंजी चिल्लाकर कहता है किसने कहा मैंने इसे बचाया है, और मुझे ऐसे लोगों की तो पड़ी भी नहीं है, किसे पड़ी है यार। एंड वो उस कार को बैट डेविल की तरफ फेंक देता है, वो इतनी जोर का फेंकता है कि वो कार सीधा जाके बैट डेविल के मुंह पर लगती है और उसके अंदर का जो आदमी होता है वो बाहर गिर जाता है। एंड देन बैट डेविल अपने मुंह से एक बीम बनाकर डेंजी को बहुत दूर फेंक देता है, बट उतने में वो जो आदमी जो कार में था जो जमीन पे गिरा हुआ होता है वो उसे जस्ट खाने पर होता है। लेकिन उतने में डेंजी वहां से चलते हुए आता है एंड बैट डेविल चिल्लाकर कहता है कि तू जिंदा कैसे है, बट हमें देखकर ये समझ में आ जाता है कि डेंजी कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है। वो एकदम बाहर आता है एंड वो कहता है ये सब में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस सबर करता रहा, ये सारा चुताप चलता रहा और तुझे पता है मैंने एक बार भी दूसरा भी नहीं छुआ। एंड उसका गुस्सा देखकर बैट डेविल और ज्यादा डर जाता है, वो कहता है कि भाई दूर हो जा मेरे से। एंड देन बैट डेविल उसको मुक्का मारता है
है, पर उसके मुक्के के अंदर से डेंजी अपने चेनसॉ बाहर निकालता है, उसके हाथ को काट देता है। एंड देन हमें आखिरी के दो पैनल्स में दिखाया जाता है कि किस तरह डेंजी ने बैट डेविल की मां चोद के रख दी है एंड उसने इतनी गंदी तरह काट दिया है कि वो एकदम खूनम खून हो गया है। एंड यहाँ पर जाकर चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो जाता है। हाँ, आई नो कि चैप्टर कुछ ज्यादा ही दोनों छोटे थे, बट स्टिल दे वर टू गुड। काफी मजा आया देखने में एंड हमें पता चल गया कि डेंजी अलग ही लेवल का आदमी है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोग को चैप्टर 7 एंड 8 भी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप अगली वीडियो को मिस ना करें एंड हमारी बाकी वीडियोस को भी मिस ना करें, क्योंकि आगे जाकर ये मांगा बहुत ज्यादा इंसेन होने वाली है एंड नेक्स्ट चैप्टर में भी ये मांगा बहुत इंसेन होने वाली है। सो डोंट मिस इट एंड अपने कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए कि आपको कैसी लगी एंड अंटिल देन ले ऑफ।